अफोर्डेबल मेकअप किट में सनस्क्रीन है, मॉइस्चराइजेशन है, अब इतना सस्ता कुछ भी नहीं मिलता है, बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं। तो मैंने सारे खुद से यूज़ किए हुए हैं, यूज़ कर रही हूँ, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। वेलकम बैक टू माई चैनल इन सौम्याज वर्ल्ड, और मैं हूँ सौम्या। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अफोर्डेबल मेकअप किट फॉर कॉलेज गोइंग गर्ल्स, या फिर आप इसे बेगिनर मेकअप किट भी बोल सकते हैं। इसमें मोस्टली प्रोडक्ट्स अंडर 300 हैं, कुछ एक प्रोडक्ट्स हैं तो थोड़े से कॉस्टली हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सारे प्रोडक्ट्स जितने हैं वो सब मिला के 300 के होने वाले हैं, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो एक प्रोडक्ट है उसकी कीमत 300 से ऊपर नहीं है, मोस्टली ऐसे प्रोडक्ट्स में है, बाकी कुछ एक हैं जो थोड़े से ऊपर हैं, क्योंकि अब इतना सस्ता कुछ भी नहीं मिलता है। और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मैंने सारे खुद से यूज़ किए हुए हैं, यूज़ कर रही हूँ, और जब तक वो सारे फिनिश नहीं हो जाएंगे तो आगे भी यूज़ करने वाली हूँ। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में जो बेल बटन है उसे भी हिट कर देना, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको पॉपअप मिलता रहे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो इसे हम असेंडिंग ऑर्डर से शुरू करते हैं कि जो हम पहले यूज़ करेंगे उसे मैं पहले बताऊँगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मॉइस्चराइज़र की, क्योंकि किसी भी मेकअप किट में या कोई भी मेकअप करने से पहले हमें मॉइस्चराइज़र लगाना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले मैं मॉइस्चराइज़र के बारे में बताऊँगी। तो यहाँ पर है मेरे पास निविया का क्रीम, ये काफ़ी थिक मॉइस्चराइज़र है, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ये आपके लिए बेस्ट है, और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसकी जगह इसका वाइट वाला पैक भी यूज़ कर सकते हैं, और ये आपको पड़ेगा 240 का। ये काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइज़र है और अच्छा सा बेस देता है जब हम मेकअप करते हैं, तो आप इसे परचेस कर सकते हैं। और निविया के प्रोडक्ट्स में हम ईज़िली ट्रस्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपके साथ बोलूँगी, आप ये रोज़ हिप सीरम भी यूज़ कर सकते हैं एज अ मॉइस्चराइज़र, आप मेकअप के पहले इसको यूज़ करें, और इसका प्राइस है 215। अगर आप मॉइस्चराइज़र लगा के मेकअप करेंगे तो बेस बहुत अच्छा आ जाता है, और जो हमारा मेकअप है वो केकी नहीं लगता है बिल्कुल भी। नेक्स्ट है प्राइमर, और उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी ये ब्लू हेवन का प्राइमर, इसका प्राइस है 300, बट अगर आप इसे ऑनलाइन लेंगे तो ये आपको ईज़िली 250 में मिल जाएगा। या फिर आप एलोवेरा जेल का भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा वर्क करता है, और ये आपको 80 रुपीज़ में मिल जाएगा। इस रेंज में जो बजट फ्रेंडली और अच्छा प्राइमर है वो सिर्फ यही है, या फिर इसके बाद में आप लेंगे तो वो आपको एवर 500 मिलेंगे, आप उन्हें भी परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फाउंडेशन की, क्योंकि ये एक बजट फ्रेंडली मेकअप किट है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी दिस लैकमे का फाउंडेशन, एंड ये आपको कॉस्ट करेगा 155 रुपीज़, और इसकी कंसिस्टेंसी और कवरेज दोनों ही मीडियम है। एंड अगर आप मेरी तरह फाउंडेशन लवर नहीं है तो आप ट्राई कर सकते हैं बीबी या सीसी क्रीम, आप पॉन्ड्स की बीबी क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें सनस्क्रीन है, मॉइस्चराइजेशन है, एंड आल्सो इसमें कवरेज भी है, और ये इंडियन स्किन टोन के लिए काफ़ी अच्छी है, और ये आपको अंडर 100 मिल जाएगी, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंसीलर की, तो मेरे पास है वेट एंड वाइल्ड का ये कंसीलर, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये अंडर आइज़ को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता है, और ये आपको कॉस्ट करेगा 499 का, बट मैंने इसको परचेस किया था जब सेल टाइम चल रहा था तो ये मुझे 300 में मिल गया था। इसमें आपको काफ़ी सारे सेट्स मिल जाएंगे, तो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। अब बारी आती है कॉम्पैक्ट की, सो मैं सजेस्ट करूँगी मेवलिन का फिट मी कॉम्पैक्ट। मेवलिन ऐसा ब्रांड है जो हर किसी को पसंद आने के साथ साथ बजट में भी आ जाता है, ये आपको 199 में मिल जाएगा, ये काफ़ी अच्छा कॉम्पैक्ट है और ईजिली ब्लेंड हो जाता है। अब हम बात करेंगे आईलाइनर की, तो मेरे पास यहाँ पे लैक्मे का आईलाइनर है, जो कि बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है, ये आपको 100 रुपीज़ कॉस्ट करेगा, और ये लोकल शॉप्स में भी ईजिली अवेलेबल है। नेक्स्ट है काजल, तो यहाँ पे मेरे पास लैक्मे का आइकॉनिक काजल है, जो कि 275 में आपको मिल जाएगा, एंड दिस इज़ सो गुड। अब बारी आती है मस्कारा की, तो मेरे पास यहाँ पे है ब्लू हेवन का ये मस्कारा, एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैंने बहुत सारे यूज़ करे हैं, पर जब से मैंने इसको यूज़ किया है तो मैं सिर्फ इसको ही यूज़ करती हूँ, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, और ये आपको कॉस्ट करेगा 125 रुपीज़। नेक्स्ट है आई शेडो, एंड मैं आपको सजेस्ट करूँगी दिस वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट, इसमें मोस्टली सारे सेट्स न्यूड शेड हैं, क्योंकि मैं इस टाइप का ही यूज़ करती हूँ, और ये आपको कॉस्ट करेगा 500 का, बट अगर आप इसे ऑनलाइन लेंगे तो ये आपको ईजिली अंडर 400 मिल जाएगा।
और अब हम बात करेंगे मेरी फेवरेट पार्ट की, जो कि है ब्लश। और मेरे पास यहाँ पे एसक्यू का ब्लश है जो कि पीच शेड में है। आई लव दिस ब्लश, बहुत ही अच्छी और नेचुरल सी फिनिश देता है ये। आपने अगर मेरे मेकअप वीडियोस देखे होंगे तो आपने देखा होगा मैंने इस ब्लश को ही यूज़ किया है। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये मुझे 270 में मिला था और इसको मैंने purple.com से परचेस किया था। अब बारी आती है हाइलाइटर की और मेरे पास है यहाँ पे दो हाइलाइटर्स। ये है सिवाना का सिमर ब्रिक हाइलाइटर जो कि आपको कॉस्ट करेगा 760। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसमें आपको 5 शेड्स मिल जाते हैं और ये काफ़ी अच्छा हाइलाइटर है, कोई भी चमकी ग्लिटर नहीं है। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे बेला वोस्टे का हाइलाइटर स्टिक। ये आपको कॉस्ट करेगा 299, बट मैंने इसको सेल टाइम में परचेस किया था तो ये मुझे 215 का मिला था। एंड अगेन इसको मैंने purple.com से ही परचेस किया है। दिस इज़ ओके प्रोडक्ट, मैंने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, हार्डली मैंने इसे 1 से 2 बार यूज़ किया है, जस्ट बिकॉज मैंने इसे लास्ट मंथ ही परचेस किया है तो मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती हूँ। अब बारी आती है लिपस्टिक की, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगी क्योंकि वो तो आप पे डिपेंड करता है, जो शेड आपको पसंद हो आप अपने मेकअप किट में उसको शामिल करें। मैं आपके साथ अपने दो फेवरेट शेड शेयर कर रही हूँ, एक ही हुडा ब्यूटी का न्यूड शेड है एंड दूसरा ये पर्पल का मिनी लिपस्टिक है जो कि टमेटो रेड कलर में है। ये सेम शेड मैंने अभी अप्लाई किया हुआ है एंड पर्पल में जो ये मिनी लिपस्टिक्स हैं इन्हें आप ट्राई कर सकते हैं, आपको इसमें बहुत ही प्यारे प्यारे से शेड्स मिल जाएंगे। पर ये आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ purple.com में और इसका प्राइस है 199, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ ऑफ़र चलता रहता है तो ये आपको 150 तक ईजिली मिल जाएंगे। मैंने भी इसको 149 में ही परचेस किया था। सो दैट्स इट, यहाँ पर ये वीडियो फिनिश होता है। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट पसंद आया हो तो आप उसे डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं, सारे बहुत अच्छा वर्क करते हैं। आई थिंक आपको ये वाला मेकअप किट पसंद आया होगा, ये सारे प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं और बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड यस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, खुश रहिए।